कैसे हो आप लोग? तो भैया आज इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ रूमर्स के बारे में कि थैनोस आ रहा है, केबल भी आ रहा है, उसके बाद टचाला का बेटा भी आ रहा है जो कि अपना ब्लैक पैंथर का लौंडा है, ठीक है। और उसी के साथ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैटमैन के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली अपडेट ये आया है आज मॉर्निंग में ही कि सोनी इस साल से स्टार्ट कर देगा मैडम वेब के ऊपर प्रोडक्शन। जी हाँ, मैडम वेब एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है जो कि सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को एक साथ कनेक्टेड करती है। तो ये भी एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। और देन सोनी ने स्पाइडरमैन यूनिवर्स अनाउंस करते हुए टाइम इनका भी नाम लिया था कि इसके ऊपर एक डेडिकेट सोलो मूवी बनेगी। और देन सोनी यूनिवर्स ऑलरेडी सुपर विलियंस के ऊपर मूवी बना रहा है, टीवी सीरीज बना रहा है, एनिमेशन शोज बना रहा है और कोलैब के साथ भी मूवीज बना रहा है जैसे कि एमसीयू और सोनी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में मैडम वेब के ऊपर कोई ऐसी मूवी बनती है। और देन ये मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है तो क्या मैडम वेब सबसे बड़ी मूवी होगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सोनी यूनिवर्स के। देन इसके बाद बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में जो कि है बहुत ही कमाल का। तो फाइनली माइकल कीटन फ्लैश मूवी में आ रहे हैं और उनका सेकंड कैमियो देखने को आपको मिलेगा बैटगर्ल मूवी में। तो वो माइकल कीटन अब फरवरी के महीने में बैटगर्ल की शूटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं, एकदम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और फरवरी के मंथ में ही आपको काफी सारी माइकल कीटन से भी रिलेटेड इमेजेस देखने को मिलेंगे। क्या पता माइकल कीटन का जो सूट है वो अपग्रेड हो जाए, बहुत कुछ चीजें पता चलेंगी सेट इमेजेस में। तो उसके लिए क्या करना है जानने के लिए सुपर स्वार्थ अपडेट के लिए आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना है। उसके साथ बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में जो कि हैरी स्टाइल से रिलेटेड। तो हैरी स्टाइल एक बहुत ही कमाल के सिंगर है और देन इनका इंटरनल में कैमियो था थैनोस के भाई का स्टार फॉक्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं इनके सॉन्ग सुनता था और इनको देखते थे मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। तो फाइनली अब कंफर्म ये हो गया कि आपको हैरी स्टाइल गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिलेंगे। एक अच्छा खासा कैमियो होगा, प्रॉपर एक सीन होगा। और देन अब इतने सारे कैमियो हो रहे हैं थैनोस के भाई के, तो यार कुछ ना कुछ फ्यूचर में तो एमसीयू ने सोच रखा है स्टार फॉक्स को लेकर जो कि थैनोस का भाई है। और उसी के साथ अब बात करते हैं फोर्थ अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो ब्लैक पैंथर टिचाला का यानी रिकास्ट के अपडेट चल रहे हैं, पर उससे रिलेटेड तो कोई अपडेट नहीं है। पर अपडेट ये है कि आपको ब्लैक पैंथर की नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिल सकती है अजारी। अजारी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि अजारी दो जनों का बेटा है, ठीक है। एक तो स्टॉर्म का, थोड़ा आसान होता है, देखो दो जनों का बेटा होता है, एक तो स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर, इन दोनों की ही वो औलाद है, ठीक है, बेटा है अजारी। अब स्टॉर्म तो कैरेक्टर है नहीं है, स्टॉर्म तो एक्चुअल में एक्समैन यूनिवर्स में है। तो अपडेट तो यही है कि भाई अजारी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब ये कैसे मिलेगा देखने को, क्या होने वाला है फ्यूचर में एमसीयू में एक्समैन को कैरेक्टर को लेकर, वो तो अब आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का, बेन अफ्लेक से रिलेटेड। तो बेन अफ्लेक एक्चुअल में अपडेट ये आ रहा था, रूमर ये आ रहा था कि वो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखने को मिल सकते हैं डेडेविल कैरेक्टर के लिए, जो कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स होगा डेडेविल का खुद का। पर अब अपडेट ये है कि आपको वो सीक्रेट इन्वेंशन टीवी सीरीज में भी देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए उनके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब सीक्रेट इन्वेंशन की सीरीज जो है, शूटिंग जो चल रही है, वो नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद कंफर्म भी हो जाएगा कि ये सीरीज साल रिलीज होगी या अगले साल रिलीज होगी, ये भी अभी थोड़ा डाउट में चल रहा है। पर बेन अफ्लेक इस सीरीज में अगर होंगे तो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सीक्रेट इन्वेंशन एक तो कह सकते हो मल्टी एवेंजर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है, और सीक्रेट इन्वेंशन सीक्रेट वॉर और एवेंजर 5 ये इस सीरीज से ही निकलेगा। तो पता चलेगा आगे फ्यूचर में एवेंजर्स लेवल की मूवी कैसी होने वाली है। तो देखते हैं कि बेन अफ्लेक इसमें होंगे या नहीं। और चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो अपडेट एक रूमर ये आ रहा है कि जोश ब्रोलिन फाइनली एमसीयू में दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं और वो दो कैरेक्टर प्ले करते हैं, एक तो एमसीयू का थैनोस और उसी के साथ हमारे एक्समैन यूनिवर्स के केबल का। अब एक्समैन यूनिवर्स ऑलरेडी एमसीयू के अंडर आ चुका है, जोश ब्रोलिन रिटर्न होंगे तो ये दोनों ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है और ये रूमर कितना सच निकलता है आगे जाके फ्यूचर में। और इसी के साथ अब बात करते हैं बैटगर्ल की सेट इमेजेस के बारे में। तो फाइनली बैटगर्ल की न्यू सेट इमेजेस आई है जो कि क्लियर लुक नजर करती है। और देन अभी हाल ही में एक फाइटिंग सीन एक्शन सीन सामने रिवील्ड हुआ था, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। तो ये वहां से थोड़ी इमेजेस हमने देखी जिसमें कि उनके खून लग रहा है और देन विलन का भी कैरेक्टर का भी हाईलाइट देखने को मिली और एक स्टोरी देखने को मिली जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो आपको ये कैसी लगी और काफी लोग कहने के बैटगर्ल मूवी एक्चुअल में बननी नहीं चाहिए, आपका क्या मानना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में जो कि है बैटमैन से रिलेटेड। तो फाइनली अपडेट ये आया है और जो कि आईमैक्स ने कंफर्म कर दिया, अपनी स्क्रीन पर मेरी इमेज पर देख सकते हैं कि आईमैक्स ने 2 घंटे 55 मिनट की बैटमैन की रनिंग टाइमिंग को बताया दर्शाया है
क्या लगता है 2 घंटे 50 मिनट की रनिंग टाइमिंग हुई या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर मुझे लगता है कि शायद इसकी रनिंग टाइमिंग और ज्यादा थी, पर काट पीट कर इन लोगों ने 2 घंटे 55 मिनट की कर दी है। तो मूवी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है और मार्च के महीने में बैटमैन मजे दिलवाने वाली है, बहुत ज्यादा डीसी की तरफ से फुल सेटिस्फेक्शन मूवी होने वाली है। आपका क्या मानना है, 2 घंटे 55 मिनट सही है या और ज्यादा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। बाय, जा रहा हूँ।